ये देखिए दोस्तों मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मतलब अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा कितने लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यह है दोस्तों, वीडियो से पहले हम बात करते हैं सुपर चैट्स की। तो एक भाई है, उनका नाम है अभिलाष रॉय, उन्होंने मुझे 500 का सुपर चैट भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और भाई है, उनका नाम है अभिनन सांतारा, उन्होंने 200 रुपीज़ का सुपर चैट भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी बहुत लोगों ने सुपर चैट्स भेजे, आदमी ने $10, $4, $5, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में मैंशन नहीं किया, लेकिन फिर कुछ बंदों ने मुझे इंस्टा पर मैसेज किया था कि भाई मैंशन कर दिया करो, तो अभी मैं कर रहा हूँ मैंशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे? उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों कल रात को जो है मैंने न्यूज़ देखा कि टनल T-74 से जो है इंजन क्रॉस होके खड़ी रेलवे स्टेशन पहुंच गया है। तो फिलहाल आज मैं यहीं आया हूँ रेलवे स्टेशन खड़ी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन कहाँ पर है, और जो कि कल रात को ही आया था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मेरे पीछे भी एक ट्रॉली है, यही भी आ रही है यही, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। फिलहाल सामने चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि इंजन पहुंच गया है सक्सेसफुली। और इस चीज़ का जो है काफ़ी पहले से इंतज़ार था कि कब वो गाड़ी होगी जब जो है ट्रेन यहाँ से चलेगी। अभी ट्रेन चली नहीं, लेकिन हाँ इंजन तो पहुँच गया है सक्सेसफुली। तो अभी आपको दिखाते हैं सामने तक। तो अभी मैं वो भी दिखाता हूँ जो शाम को चला था, क्योंकि एक दोस्त ने वीडियो भेजा था मुझे रात को ही, तो अभी मैं वो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए, तो दोस्तों ये देखा होगा आपने किस तरह जो है टनल T-74 से इंजन आके सामने पहुंचा है ये सामने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि शाम के टाइम में कुछ कैप्चर करनी होगा, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं तो मेरे को रात को पता लगा अभी मैं आया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। ए आप देखिए, यहाँ से सिंगल ट्रैक है जैसा तुम लोग देख रहे होंगे, लेकिन इंजन तो पहुँच गया है। ये देखिए सामने, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देख लो, बहुत सही। अभी कुछ ही टाइम बाद इंशाल्लाह होप करते हैं कि ट्रेन भी यहाँ से दिखेगी हमें। तो फिलहाल ये देख लो, फिलहाल मैं इस साइड डाइव मारता हूँ। ये देख लो दोस्तों, क्या बात है, मतलब पूरा एक डबल ट्रेन का। ये आप देखिए यहाँ से OHE इंस्पेक्शन कार और इरकान, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और यहाँ से आप देखिए, ये देखिए टायर इसके सेम ही जैसे मतलब ट्रैक्स के ऊपर चलते हैं। जो सामने ट्रॉली है उसको जो है सामने से टायर लगाए हुए हैं जो गाड़ियों को होते हैं, लेकिन वो जो है हवा में ही है, बाकी ये जो है ट्रेन का यही है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है रुकाया गया है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़े ही टाइम बाद कल परसों जो है ये टनल T-49 के अंदर डाला जाएगा और फिर जो है ये सुम्बा रेलवे स्टेशन पहुँचेगा। तो जैसे ही सुम्बा रेलवे स्टेशन पहुँचेगा तो उसके बाद जो है फिर ट्रेन चलेगी। ऑब्वियसली जब सक्सेसफुली इंजन पहुँच जाएगा तो मतलब ट्रेन आएगी। तो ट्रेन भी इसी तरह की होगी, बस थोड़ी बड़ी होगी, बाकी सेम ही है जो है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ से देख सकते हो, ये देख लो भाई, तुम देख सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों ये है, इस ब्रिज के सामने आता है टनल T-74 जहाँ से जो है रात को आया था ये इंजन। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से तो सक्सेसफुली यहाँ तक पहुँच गया, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे होंगे ये जी सामने। तो अभी ये जाएगा T-49 के अंदर। तो फिलहाल इसी वाले ब्रिज से ये होके आया, और सामने टनल, सामने भी कुछ बहुत सारे लोग हैं, और अभी भी यहाँ से काम चल रहा है जैसे तुम यहाँ से आवाज़ें सुन रहे होंगे। मतलब ये बाकी का काम है जो साइड पे, ये तो होता रहेगा, लेकिन जो ट्रैक्स का काम है यहाँ से वो हो गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से, तुम देख सकते हो।
तो दोस्तों अभी तक मतलब मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई, लेकिन जो भी बोला मतलब अभी बोल रहे 3 डेडलाइंस ऑलरेडी मिस हो गई थी, लेकिन आज जो है आपने खुद देखा कि आज जो है इंजन सक्सेसफुली यहाँ पहुँच गया। अब तुम लोग खुद देख सकते हो कि कितने टाइम बाद ट्रेन आ सकती है, तो इसका जो एक साइन होता है कि ट्रेन जो है जल्दी आने वाली है। मतलब अब ये T49 के अंदर जाएगा, जो T49 है जो इंडियन रेलवे का सबसे मतलब लंबा टनल है 13 कुछ किलोमीटर्स, जो कि सुंबर में फिर खुलता है, खड़ी रेलवे स्टेशन और सुंबर रेलवे स्टेशन को जो है वो कनेक्ट करता है। तो आप जो T49 के अंदर जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि सक्सेसफुली सुंबर पहुंच जाएगा और फिर जो है उसके बाद कुछ ही टाइम बाद सुंबर तक ट्रेन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़े टाइम बाद ट्रेन चलेगी। तो फिलहाल दोस्तों सामने से भी एक और ट्रॉली आ रही है, तो मैंने जो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं यार इस पे, लेकिन आज जब मैंने देखा कि इंजन आया हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये अपडेट पहुंचा देते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। तो बाकी दोस्तों यहां से तुम देख सकते हो यहां से रेलवे स्टेशन का व्यू कैसा दिख रहा है यहां से। अभी जो धूप सामने से आ रही है तो कुछ क्लियर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी तुम लोग देख सकते हो ये रेलवे स्टेशन पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया है, जैसा आप लोग देख सकते हो यहां से। और सामने एक और ट्रॉली है, लेकिन वहीं तक आई है, अभी तक मैंने आपको दिखाया कि ये यहाँ के लिए आ रही थी लेकिन अभी सामने ही रुक गई। तो फिलहाल तुम लोग यहाँ से देख सकते हो अभी यहाँ से गाड़ी कहाँ से जा रही है, ये देख लो भाई, मतलब कैसे रोड है यहाँ से। तो ये जो है बानिहाल से ही आया, मतलब इसके इससे पहले जो रेलवे स्टेशन आता है वो बानिहाल आता है, तो ये बानिहाल से ही आया। तो फिलहाल दोस्तों हम कुछ फोटोज़ लेते हैं थंबनेल के लिए, तो बढ़िया है दोस्तों। हाँ देखता हूँ। तो दोस्तों ये अभी ट्रॉली आ रही थी आगे के लिए, लेकिन यहीं पर रुक गई, तो ये आप देख सकते हो। और यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स जैसे तुम लोग देख रहे होंगे ये सामने दोस्तों, तो सामने से एक हो रही है, अभी हो रही है बारिश। तो यहाँ पे एक और ट्रॉली देख दोस्तों देख सकते हैं ऐसे, भाई आ गई ट्रेन, तो भाई आ गई ट्रेन है, इंजन आ गया ना, इंटरेस्टेड नहीं है ये लोग, तो फिर भी यहाँ से दोस्तों देख लो। और ये सामने है रेलवे स्टेशन, बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये दोस्तों। और यहाँ से देखो अभी कितने वर्कर्स है सामने तक, और ये देख लो कैसी पहाड़ी है यहाँ से। और यहाँ से जो स्टेशन के जो भी ये है बिल्डिंग सारी बन गई है, एकदम रेडी है दोस्तों यहाँ से। तो अभी जो है इंजन यहाँ से होके जाएगा सामने, वो है सामने टनल 49 और फिर सीधे सुमर। तो फिलहाल यहाँ से डबल ट्रैक्स है, लेकिन वो सामने जो ब्रिज है वहाँ से सिंगल है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से आप देख लो, तो अभी हम चलेंगे वापस। तो ये दोस्तों टिकट काउंटर, यहाँ पे अभी हम आ गए हैं बाहर, यहाँ से सारा रेडी एकदम, फैन वगैरह सारा कुछ। और सामने तुम देख सकते हो गाड़ियाँ, जो लोग यहाँ पे काम वगैरह करवाते हैं तो आर्मी की भी गाड़ी है यहाँ पे, तुम लोग देखो। और अभी यहाँ पे पेंट हो रहा है, भाई सुन नहीं रहा है भाई, आज मेरी किसी ने नहीं सुनी भाई। तो फिलहाल यहाँ से तुम देख सकते हो सामने, और ये लाइट्स वगैरह भी लगा दी गई सब। तो फिलहाल अभी चलेंगे वापस। तो यहाँ से रहा कुछ विलेज का व्यू दोस्तों, ये देखो। और ये रेलवे स्टेशन खड़ी का नाम यहाँ से, और ये इसके पीछे तिरंगा, ये देख लो क्या ही ज़बरदस्त है। तो ये है एरियल व्यू यहाँ से रेलवे स्टेशन खड़ी का, आप लोग देख सकते हैं कितना सही दिख रहा है यहाँ से, क्या बात है। और तिरंगा देखिए कितना ऊँचा है, ये यहाँ से सामने ब्रिज होता है ना। Yeah.